बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 29 जुलाई से 5 अगस्त तक काली पट्टी निषेध आंदोलन किया गया था। राम मंदिर बुद्ध भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया, ये अतिक्रमण का हम विरोध कर रहे हैं। यदि ब्राह्मण राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो जैसे वो कहते हैं कि मुगलों को दूसरों के जमीन पर मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं था, तो ब्राह्मणों को भी दूसरों के भूमि पर जमीन पर राम मंदिर बनाने का वैसे ही अधिकार नहीं है। ये बात हम लोगों ने कही थी और 4 अगस्त तक काली पट्टी आंदोलन चलाया गया था, निषेध आंदोलन चलाया गया था और 5 तारीख को काला दिन मनाया गया था। सारे देश भर से हमारे पास यह पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या करना है, तो आगे 31 अगस्त तक काली पट्टी आंदोलन या सर के ऊपर काली पट्टी बांधने का जो निषेध आंदोलन है, बुद्ध भूमि पर अतिक्रमण करके राम मंदिर बनाया गया, इसका निषेध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों को राम मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों को संविधान के अनुसार राम मंदिर बनाने का अधिकार है, मगर दूसरों के भूमि पर, बुद्ध भूमि पर राम मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है। इस बात की जानकारी लोगों को होना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ भारत के, समस्त भारत के जो लोग हैं उन लोगों तक सारे षड्यंत्र की जानकारी पूरे विस्तार के साथ पहुंचना जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन को 31 अगस्त तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है, सारे देश भर में कोरोना महामारी का मामला आगे बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, ऐसा टीवी के द्वारा पता चल रहा है। इसके बावजूद भी 19 सितंबर को आईपीएल को भारत सरकार ने अनुमति दी। इसका मतलब है कि 19 तारीख के पहले कोरोना का मामला कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बावजूद भी। तो इसका मतलब है 15 सितंबर के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को खुली छूट मिलेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि जो हमारा भारत बंद का कार्यक्रम था, उस भारत बंद के कार्यक्रम की तैयारी भी करने की हम लोग योजना बना रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए भी जल्दी ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। अभी ये जो 31 अगस्त तक का अनाउंसमेंट है, ये बुद्ध भूमि पर अतिक्रमण करके जो राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया, उसका सारे देश और दुनिया में विरोध हो रहा है और इसी वजह से जो राम मंदिर बनाने वाले लोग हैं और उनका समर्थन करने वाले लोग हैं,
उन लोगों को ये बयान देना पड़ा कि राम सबके है, इसका मतलब यह है कि उनको भी मालूम है वो सबके नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो इसके पीछे के साजिश को पूरी तरह से 31 अगस्त तक सारे देश भर में खुला किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, नंगा किया जाएगा, सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए 31 अगस्त तक ये आंदोलन, काली पट्टी निषेध आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के तमाम लोगों को, हजारों लाखों जो छोटे मध्यम माइक्रो संगठन है, उन लोगों को ये जो षड्यंत्र थोपा गया है उसका विरोध करने के हम बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन के लोग और बीन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 5 अगस्त को, जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है, ऐसी घोषणा राम मंदिर बनाने वाला ट्रस्ट ने की है, हम इसकी काली फीत लगाकर या सिर को काली पट्टी बांधकर या अपने घर पर काला झंडा लगाकर इसका निषेध करते हैं। और तमाम संगठन के जो लोग हैं, बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और इनके तमाम ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशंस को ये करने के लिए आह्वान किया जाता है, और मुझे आशा है कि वो सारे संगठन इस निषेध आंदोलन में सहभागी होंगे। निषेध करने के कई कारण हैं, उन कारणों के बारे में मैं एक एक करके कारण आप सभी लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। पहले नंबर का कारण है, मुगल काल में ब्राह्मणों ने मुगलों की मदद करके बुद्ध भूमि पर मस्जिद बनाई गई। इस काम में ब्राह्मणों ने मुगलों की मदद की और इसकी वजह बौद्धों के साथ ब्राह्मणों का बड़ा शत्रुत्व था, इस वजह से ब्राह्मणों ने इसकी मदद की। इतिहास इस बात को गवाह है कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था, मगर 350 साल तक मुगलों ने राज किया, मगर ब्राह्मणों ने कभी भी उसके विरोध में किसी प्रकार के आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि मुगलों को, भारत और भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए मदद की। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास में इस बात के सबूत उपलब्ध होते हैं और इसे साबित किया जा सकता है। दूसरा कारण, मुगल आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे और विदेशी थे। ब्राह्मण भी विदेशी है डीएनए के अनुसार, और आक्रमणकारी थे और है। यह बात इस घटना से सिद्ध होती है
कि ब्राह्मणों ने मुगलों को बुद्ध भूमि पर मस्जिद बनाने के लिए मदद की। ऐसे भी कहा जा सकता है कि उस जमीन के बारे में जो ब्राह्मणों को ही जानकारी थी, उसके बारे में यह जानकारी देने का काम भी ब्राह्मणों ने ही किया होगा, ऐसे कहा जा सकता है। इसके भी बहुत सारे सबूत उपलब्ध है कि ब्राह्मणों के बहुत सारे मंदिरों को मुगलों ने मदद की। इसके सारे दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध है, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है और इसे आने वाले समय में हम इसे घोषित करेंगे। 3, जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर बौद्ध स्तूप था। बौद्ध विहार और बड़ा संगाराम था। इसे पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रमाणित किया गया था और सिद्ध किया गया था। आज मुगल और मुसलमानों का ब्राह्मण विरोध करने का आभास निर्माण कर रहे हैं। उसका कारण अनपढ़, अशिक्षित, अजागृत SC ST OBC का इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और यह इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। नंबर 4, जब राम मंदिर बनाने का ट्रस्ट बनाने का समय आया तो उस ट्रस्ट में SC ST OBC के एक भी सदस्य को नहीं लिया गया। यह इसका सबूत है कि ब्राह्मण अपने मकसद के लिए SC ST OBC का इस्तेमाल करना चाहते थे। नंबर 5, वह भूमि राम जन्मभूमि नहीं है, वह बौद्ध भूमि है। बुद्ध का वहां पर स्तूप है, विहार है, संघाराम है, ऐसा पुरातत्व विभाग ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। नंबर 6, वहां पर राम से संबंधित एक भी सबूत नहीं मिला है। या पुरातत्व को राम मंदिर से संबंधित एक भी सबूत नहीं मिला है, राम की एक भी वस्तु नहीं मिली है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के लिए रामलला की मूर्ति गोरखपुर से लानी पड़ी, इसका भी हमारे पास सबूत है। और प्रशासन के मदद से उसे वहां पर रख दिया। यह इस बात का सबूत है कि तथाकथित अयोध्या में राम का एक भी पुरातत्वीय अवशेष नहीं मिला। नंबर 7, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के नीचे पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की उसमें जो पुरातत्वीय वस्तुएं मिली उसकी जो लिस्ट पुरातत्व ने दी है, जिसके हमारे पास सबूत है, उससे सिद्ध होता है कि वह वस्तुएं पुरातत्वीय थी और बौद्धों की है। और मौर्य काल में बनाई गई थी। यह बात पुरातत्विक वस्तुओं की लिस्ट से सिद्ध किया जा सकता है। 8, राम जन्मभूमि का आंदोलन
जो आरएसएस के द्वारा शुरू किया गया था वह राम मंदिर बनाने के लिए नहीं शुरू किया गया था। एससी एसटी ओबीसी का या खास तौर पर ओबीसी को मंडल कमीशन ना लागू हो सके और ओबीसी के लोग मंडल कमीशन के आंदोलन में शामिल ना हो सके और ओबीसी का मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर किया जा सके और ओबीसी को आरक्षण ना लागू हो सके, इस मकसद के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन था। 9. इस आंदोलन के वजह से ब्राह्मण ओबीसी के आरक्षण को प्रभावहीन करने के लिए क्रिमिलेयर लगाने में कामयाब हो गए और ब्राह्मणों को ओबीसी के विरोध का षड्यंत्र सफल हुआ। 10. आज ओबीसी का आरक्षण 30 साल में केवल मात्र 5.4% लागू हुआ है और यह धोखाधड़ी करने में ब्राह्मण कामयाब हो गए। उसकी वजह राम मंदिर का आंदोलन था और ब्राह्मण ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने में कामयाब हो गए और ओबीसी का विरोध में इस्तेमाल करने के लिए भी कामयाब हो गए। 11. आज ओबीसी को व्यावसायिक शिक्षा में, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग वकालत व्यवस्थापन अर्थात समग्र व्यावसायिक शिक्षा में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है और इसके बदले में उसको राम मंदिर का झुंझुना थमाया जा रहा है, यह ब्राह्मणों की बड़ी धोखेबाजी है। 12. उपरोक्त कारण की वजह से हम इसका विरोध करते हैं, और भी कई कारण हैं। 13. यह बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों का अतिक्रमण है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। 14. जैसे मुगलों को दूसरों की भूमि पर मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं था, ऐसा ब्राह्मण कहते थे, तो ब्राह्मणों को भी बुद्ध भूमि पर राम मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। 15. इस भूमि पर राम मंदिर ना बनाकर राम मंदिर बनाने के लिए दूसरी जगह पर राम मंदिर बनाने का ब्राह्मणों को अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। जब मुगल मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है तो राम मंदिर को भी दी जा सकती है, ताकि अलग जगह पर राम मंदिर बनाया जा सके। 16. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी सबूत के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय है, इसे हम नहीं मानते। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के द्वारा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूत मांगा था, तो मार्गदर्शक मंडल ने हरिद्वार में 3 दिन मीटिंग करने के बाद यह ऐलान किया था कि राम वहीं पर पैदा हुए, यह हमारी आस्था का सवाल है और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते, खुद उन्होंने इसके सबूत नहीं है इसका ऐलान हरिद्वार में किया था। 17. बौद्धों की सुनवाई नहीं की गई। विनीत मौर्या, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ओबीसी है और अपने को बौद्ध कहते हैं, उनकी कोर्ट में केस थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का वादा भी किया था, मगर बाद में असंवैधानिक तरीके से उस केस को सुनवाई में नहीं रखा गया। अगर सुनवाई की गई होती तो सारे पुरातत्वीय सबूत होने की वजह से आस्था के आधार पर केस टिक नहीं सकता था। राम मंदिर वालों का आस्था के आधार पर केस टिक नहीं सकता था, इसलिए केस की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, विनीत मौर्या की केस को सुनने के लिए इनकार किया और संविधान का उल्लंघन किया और न्याय निर्णय का गला घोटा। 18. सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद
अयोध्या साकेत में वजूद में आई। उसके पहले उसका नाम साकेत ही था, अयोध्या नहीं था। रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है, मगर इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या है, ऐसा इतिहास बताता है। इसे सिद्ध होता है कि अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी, राम की नहीं। 19 पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है, ऐसा इतिहास कहता है। इसे सिद्ध होता है कि राम काल्पनिक व्यक्ति थे, अर्थात राम का वास्तविक नाम पुष्यमित्र शुंग है, जिसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की थी। 20 शूद्र ओबीसी ब्रैकेट में ओबीसी ब्राह्मण धर्म के अनुसार ओबीसी ही शूद्र वर्ण के लोग हैं। यह बात समाज शास्त्र के अनुसार सिद्ध होती है। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। रामायण में राम ने शूद्र शंबुक अर्थात आज के ओबीसी के पूर्वज की हत्या की है, ऐसा बताया गया। तो राम ओबीसी के आराध्य दैवत कैसे हो सकते हैं? 21 जब भारत में लॉकडाउन घोषित किया और देश के समस्त लोगों को घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई, ऐसे गुप्त समय में समतलीकरण का काम किया गया। ऐसा बौद्ध स्तूप खत्म डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया। अपराध हमेशा छुपकर किया जाता है, इसे समझने की जरूरत है। 22 उपरोक्त कारणों की वजह से हम 5 अगस्त को बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के द्वारा अतिक्रमण करने के लिए ब्राह्मणों का निषेध करते हैं और समस्त देश भर के SC ST OBC ये तमाम संगठनों को इस निषेध में शामिल होने के लिए अनुरोध करते हैं। 23 सुनने और पढ़ने वाले जो लोग हैं इनमें कारणों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो कारण सबूतों के आधार पर लिखे गए हो, ऐसे कारणों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसलिए तमाम जो SC ST OBC के हजारों लाखों संगठन देश में हैं, उनको मेरा यह अनुरोध है कि वो अपने हाथ को काली पट्टी बांधकर आज से, अभी से, जैसे ही आप सुनोगे, 5 अगस्त तक वो काली पट्टी बांध कर रखिए, या अपने सर के ऊपर काली पट्टी बांधिए, या अपने घर पर काला झंडा फहराकर इसका निषेध करिए। ऐसा किया जा सकता है। ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि सारे भारत के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर हो, इसलिए हम इस निषेध आंदोलन का अभियान शुरू कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।